जी जी नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम, उसका बोर्ड लगा हुआ है। महाजरीन की कहानी, क़ैद आज़म का होलोग्राम, मंगल तत्वा सुबह 10 बजे से ये लिखा हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं। ये जी टिकट घर है जहाँ से कश्ती रानी की टिकट मिलती है। अब आगे चलते हैं जी। किधर तो चलने हैं ना, इधरों अब जी जा रहे हैं जी बादशाही मस्जिद की तरफ। ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं इधर। ये अभी यादगार पार्क में से गुजर रहे हैं। ये सामने ही बादशाही मस्जिद है, ये देखो। जी ये सामने बादशाही मस्जिद। है सामने की दिशा है। हाँ गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा बादशाही मस्जिद के साथ ही गुरुद्वारा है। हाँ यहाँ से हम जाएंगे पहले गुरुद्वारा आएगा फिर। अच्छा पहले गुरुद्वारा आएगा फिर बादशाही मस्जिद। चलो जी देखें व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ देखते जाएं चलते जाएं। जो कुछ हम देख रहे हैं वही आपको दिखाएंगे, जितनी समझ हमको है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे इस वीडियो में ही। ये देखिए एक गुरुद्वारा है इधर। जी ये सामने किला है और इस तरफ जो है ये गुरुद्वारा है। आगे चलते हैं। जी दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए जब भी इंटर होते हैं ये बादशाही मस्जिद की तरफ तो पहले जो है ना ये गुरुद्वारा आता है। इस तरफ काम हो रहा है गुरुद्वारे में, यहाँ पे हमारा जाना मंजूर है। अर्जन देवी जी ऊपर लिखा हुआ है। ये हम जा रहे हैं सीधा बादशाही मस्जिद की तरफ तो, और ये साथ में शाही किला है। ये जी शाही किला है। पानी पीजिए, ये पानी पीजिए अगर। ਪੱਕੀ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਹੀ ਹੈ। नॉर्मल चलो ठीक है, गिलास गिलास भर के भी दीजिएगा। ये अभी गर्मी बहुत है, पानी पीते हैं जी इधर से। दोस्तों ये सामने शाही किला है, अब जाएंगे शाही किले के अंदर, आपको अंदर का रिजल्ट दिखाते हैं।
ये जी शाही किले के अंदर जाने की टिकट है। पीछे हो गया भाई, अभी चार नंबर चलानी है, इधर पड़ जाएगा। दरअसल ना उन्होंने मेहरबानी ये जी किले के अंदर आ चुके हैं। हाँ जी, ये बादशाही किला है, किले के अंदर आ चुके हैं। आ जाए भैया, आ जाए। सुन क्या टिकटॉक बन रही है। ये देखिए जी, अब किले के अंदर आपको लेके जा रहे हैं। ये बादशाही किला है लाहौर के अंदर, जो है बादशाही मस्जिद के साथ बादशाही किला। ये देखें जी, तारीखी मकामात बादशाही किले के अंदर का अंदरूनी। ये बहुत ही पुराने हैं। ये इधर कुआं है और ये इस तरफ, ये देखें बिल्डिंगें जितनी भी, ये किले के अंदर की पुरानी है। ये देखें जी, बादशाही किले के अंदर हिस्सा। जी ये किले के बाहर का सीन है, देखें पीछे काम हो रहा है। ये उनके वो मोर्चे बने हुए जहाँ पे वो गनमैन बैठते थे बादशाह के। ये किले की बैक साइड है, ये पीछे लाहौर शहर नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, ये भी कोई जगह है महल की, लेकिन मुझे तो नहीं पता कंफर्म क्या है। मकतब खाना है, मकतब खाना है। ये जी मकतब खाना है, यहाँ पे काम हो रहा है। आगे शीश महल की तरफ ये देखते जी। मैं देख रहा हूँ यार,
1631 का ये है। ये है जी शाह ब्रज या शीश महल। 9 लाख का खर्चा आया था इसमें। शीश महल जी, ये है जी शीश महल का आता। 100 रुपया टिकट है इसके अंदर जाने की, 4 बंदे तो 400 रुपया टिकट लगाई हुई है इन्होंने। कोई भी मौका पाकिस्तानी ज़ाया नहीं जाने देते। ये है जी रास्ता शीश महल के अंदर जाने का, समझ लो ये शीश महल ही है। ये देखें जी बादशाही मस्जिद का ये जी, ये हम जहाँ पे बादशाह बैठता था उसका दरबार लगता था वो जगह पे आ गए हैं। ये देखें सामने इस जगह पर बादशाह आता था ऊपर से। ये मिनी बादशाह हैं जो सामने। जी उस वक्त इस तरह के जो गोले चलाने के लिए काम आते थे ये वो चीज़ें, ये देखें ये एक किस्म की तोप ही है समझ ले। ये सामने जी दरबार जहाँ लगता था बादशाह का वो जगह है। ये है जी दीवाने आम। ये जी जहांगीरी हाथ आ गया जी। ये शीश महल है यार, इसका क्या हालात तो कर दिया इन्होंने। हाँ 1645 कम्प्लीट होगा। ये जो बिल्डिंग है ना शाह हाता शाहजहानी, ये 1665 में कम्प्लीट हुआ था। ये वाला जो 1645 में कम्प्लीट हुआ था, चलें जी 1665 या 45 से हुआ था है ना। चलें आगे चलते हैं। सारा पुराने दौर का हाथी पीर जो है ना इस तरफ से आता था, ये इस रास्ते से हाथी अंदर आता था। ये हम वापसी पे बना रहे हैं वीडियो, तो यहाँ से गुजर कर हाथी जाता था। मैं ये देखिए यहाँ से गुजर कर ऊपर जाता था। ये पुराने दौर का जो देखिए बना हुआ है,
ये हाथी पीर की हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखें 1631 और 32 का ये है। यहाँ से हाथी गुजर के जाता था, हाथी पीर हाथी का रास्ता। शहनशाह शाहजहाँ ने इसे 1631 और 1632 में तमीर किया था। इसका मकसद शाही ख़ानदान का हाथी समेत महल तक ले जाना था। ये सीढ़ियाँ हाथी दरवाजे शुरू होकर शीश महल के दरवाजे पर ख़त्म होती हैं। यहाँ 58 सीढ़ियाँ हैं जो 1616 फुट ऊंची और 1808 फीट चौड़ी हैं। इन्हें छोटी ईंटों और छोटे चूने के प्लास्टर से बनाया गया है। मगरबी दीवार निचली ऊपरी मंजिलों में ताकत है। शाही महाफज जी, हम दूसरी साइड से इधर से इंटर हुए थे, अब इधर से वापस आ गए। ये है जी हाथी रास्ता। यहाँ से हाथी गुजर कर जाता था अंदर की तरफ। ये रास्ता हाथी का था, वो आउटसाइड है। ओके, ये है जी शाही किले का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा। इधर से इंटर हुए थे हम और इंशाल्लाह इधर से ही इंटर वापस आए हैं। ये है मेन दरवाज़ा शाही किले का।